आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो परमात्मा रोम रोम में प्रत्येक जीव में, प्रकृति में, प्रत्येक जगह विराजमान होते हैं, लेकिन उनको खोजने के लिए, पाने के लिए अनेकों अनेक मार्ग संतों ने बनाए। उन्हीं के ऊपर चलते हुए जीव उस परम तत्व तक पहुंच पाए। कुछ विशेष आत्माएं जो धरा के ऊपर आई अवतार के रूप में, संतों के रूप में, सिद्धों के रूप में, उन्होंने उस परमात्मा का वर्णन किया, मार्ग दिखाया, उसके ऊपर चलने का जो लोगों को मालूम नहीं था कि परमात्मा नाम का कोई तत्व है, कैसे पहुंचा जाता है, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, सूर्य से ले करके और चंद्रमा तक सब उससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं होता, ये उस परमात्मा का प्रकाश है, ये उस तेज का प्रकाश है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर ये आत्मा निकल जाए, आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता, हाथ कोई काम के नहीं रहते, पैरों के अंदर ताकत नहीं रहती और सारे के सारे शरीर के अंग अपने आप काम छोड़ने लगते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये शरीर उस परमात्मा के कारण से चलायमान है, चल रहा है, गतिमान है, कार्य कर रहा है, प्रत्येक कार्य उसके जो अंदर आत्मा बैठी हुई है, वो अगर वो आत्मा निकल जाए तो आप क्या कार्य कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे सब कुछ हो पाएगा? बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाएगा और वो एक मुर्दा शरीर हो जाएगा जिसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। चाहे हिलाते रहो, डुलाते रहो, कुछ भी करते रहो, उसके चीरते रहो, फाड़ते रहो, हाथ पैर काट दो, कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब तक वो आत्मा शरीर के अंदर है, उसके अंदर वो सांस चल रहा है, अगर आपको उसको छुओगे तो स्पर्श से पता चलेगा, गंध का भी पता चलेगा, अगर उसको पिन चुभोगे तो उसका भी पता चलेगा। तो उसी प्रकार से सूर्य का जो तेज है, सूर्य के अंदर भी उसी का तेज है। जब वो निकल जाएगा तो वो तेज वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि जब इस सृष्टि का अंत होता है, परलय आती है, ये धरा बिल्कुल डुबो दी जाती है, सब नष्ट हो जाता है, प्रकृति समाप्त हो जाती है, तो सूर्य भी अपने स्थान के को छोड़ करके वहीं पर चला जाता है। जब तक नई सृष्टि की रचना नहीं होती, तब तक इसी प्रकार से वो अपने लोकों के अंदर घूमता रहता है और शांत हो जाता है, क्योंकि इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव, कोई भी देवी देवता जिसके आपने नाम सुने, जिसके बारे में आपने सुना, जिसके बारे में आज तक आपने देखा, सब की सब वस्तुएं जब महाप्रलय का समय आता है, सब नष्ट हो जाते हैं और वो आत्माएं घूमती रहती हैं, न्याय चक्र में चली जाती हैं। उसके दरबार के अंदर जहां न्याय का दरबार लगा होता है, वहां पहुंच जाती हैं और जब तक नई रचना नहीं होती, तब तक वो आत्माएं शांत होती हैं या किसी
क्योंकि दो प्रकार की प्रलय होती है, एक तो वो प्रलय होती है महाप्रलय, सबके सब ब्रह्मांड नष्ट हो गए, सबके सब ब्रह्मांडों को मिटा दिया जाता है और स्वयं के अंदर स्थित हो जाता है, जिसको आप कोई निराकार कहता है, कोई परम तत्व कहता है, कोई पूर्ण पुरुष कहता है, कोई सच्चे बादशाह, अलग अलग नामों से उसको बखान किया गया है। वहाँ जा कर के वो आत्मा रहती हैं। और एक वो होता है कि कुछ लोगों को नष्ट कर दिया जाए, कुछ लोग बचे रह जाए, कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव करके उन्हें मिटा दिया जाए, कुछ लोग जो होते हैं वो रह जाते हैं, उनकी सृष्टियों की रचनाएं चलती रहती हैं। इसके अंदर उस परमात्मा को अनेकों अनेक मजहबों को अपनी अपनी तरह से बखान किया गया है और अपनी अपनी तरह से उसको वर्णन किया गया है। उसको पाने के लिए अनेकों अनेक विधियां उत्पन्न की गई हैं, उन विधियों के ऊपर चलने के लिए रास्ते दिखाए गए हैं, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनकी नज़रों के अंदर भेद नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब के सब जीव हैं, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है। क्योंकि वो परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि ये जीव कौन से धर्म का है, किस मजहब का है, उसकी नज़र में, क्योंकि वो पैदा सबको बराबर करता है, उसी प्रकार से संतों की नज़रें भी समान होती हैं। जो जिस मार्ग से चलना चाहता है, जो जिस मार्ग से प्रयास कर रहा है, वो उसी मार्ग से उसको पहुंचाने के लिए रास्ता खोल देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा धोबी को कि किसी भी धर्म का कपड़ा आए, किसी भी मजहब का कपड़ा आए, रोगी का आए, चाहे किसी के ज़्यादा गंदे कपड़े आए, किसी डॉक्टर के आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो उबाल करके वो उनको मैल निकाल देना होता है, पवित्र कर देने होते हैं, साफ सफाई कर देनी होती है। उसी प्रकार से संतों को इन वस्तुओं से, इन सांसारिक मतभेदों से, सांसारिक मजहबों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी नज़रों में भेद नहीं होता। तो जो भी उनके पास पहुँचते हैं, कपड़ा कितना भी मैला हो, आत्मा के ऊपर कितना ही परत दर परत मैल चढ़ गया हो, वो उसी प्रकार से किसी न किसी विधि के द्वारा, तरीके के द्वारा उनको साफ करते रहते हैं, उन आत्माओं को पवित्र करते रहते हैं और उस परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलाते रहते हैं। जो उनके मार्ग के ऊपर चलते हैं वो उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग उसको साकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग निराकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग देव रूप में मानते हैं, कुछ लोग अवतार रूप में मानते हैं, कुछ अनेकों अनेक पीर पैगंबर गिरी पुरी अनेकों अनेक रूपों में उस परमात्मा को मानते रहते हैं। सब